जैसे कि सबको पता है कि रमजान और मुबारक के दौरान थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों को खून की शदीद कमी हो जाती है। खास तौर पे रमजान के आखिरी अशरे में जब मुस्लिम भाई जो है वो ब्लड डोनेट करने से कासर रहते हैं, उनकी इस बेबसी की जो सदा है वो सुन ली है और सेंट जोसेफ चर्च में या गुजरावाला में हमारे भाई फ्रांसिस गुलजार साहब जो कि हमारे साथ खड़े हैं, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए आगे बढ़ते हुए अपने मसीही भाइयों के जरिए ब्लड के तकरीबन 50 से ज्यादा बैग्स इकट्ठे किए हैं। के लिए हमें सबको मोटिवेट किया हमारे भाई इमरान अब्बास साहब ने और हमारे भाई मजीद ने, और इस थोड़े से वक्त में हम जितनी भी एकदम से काबिश कर सके जरूर हमने कहा कि हम इनकी इस मुश्किल में इनका साथ देंगे। जो ये 50 नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि मौजूदा सिचुएशन में ये 50,000 है। जिंदगी बचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाए वो कम है, और हमारे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी मसीहों ने हमेशा इस वतन के लिए जान भी दी है, इन बच्चों के लिए हमारा ये अतिया कुछ भी नहीं है। और ये जो ब्लड के बैग्स हैं ये गिफ्ट है हमारे मसीही भाइयों की तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों को ईद पे, क्योंकि ये जो 1100 बच्चे पेशेंट थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चे हैं वो इंशाल्लाह ईद बखुशी मनाएंगे। नुमाइंदा भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम करके, पहले भी माजी में मैं बहुत सारा लाहौर में काम करता रहा हूँ और एक एक दिन में हम साल के दौरान बहुत दफ़ा इबादतों के दौरान हम कैंपेन करते थे और हमारे नौजवान बच्चे खुशी के साथ इस तोहफे के लिए अपने आप को पेश करते थे ताकि खून का अतिया देकर एक दूसरे की जिंदगी को बचाया जा सकता है। और उनका सबब जो है वो हमारे मसीही भाई बन रहे हैं, और जो सबब है वो यहाँ से चर्च से जनरेट हो रहा है, वो मुंतजर हैं, और वो खास तौर पर मैं कल से कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, उनकी जो मैसेज आ रहे हैं वो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी उन्हें अशद जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसीही भाइयों ने आगे बढ़कर स्टेप लिया है और उनकी ये कमी दूर कर दी है। इंशाल्लाह ईद उनकी बहुत अच्छी गुजरेगी और उनको ये ईद का गिफ्ट जो है वो हमारे मसीही भाइयों की तरफ से होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।